नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, शुक्रवार का दिन है। चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से यहां पे कमोडिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह कमोडिटी बाजार कैसा खुलता हुआ नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती हुई नजर आ रही है और उस पर रूपा जी की क्या राय है। तो कमोडिटी बाजार की अपडेट में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से। तो देख रहे हैं कि दिवाली के पास आते आते सोने चांदी की जो चमक है थोड़ी थोड़ी अब कुछ बढ़ने लगी है। सोना चांदी एक बार फिर से दिवाली के आते आते एक बार फिर से चमकने लगे हैं। दरअसल पहले क्या था कि सोने चांदी की जो डिमांड थी वो थोड़ी कम देखने को मिल रही थी, क्योंकि डॉलर और जो US ट्रेजरी यील्ड्स हैं उनमें तेजी देखने को मिल रही थी। हालांकि तेजी अभी भी है, लेकिन भारत में दिवाली आने वाली है, दिवाली से पहले धनतेरस होता है, तो त्योहारी सीजन में जो लोग हैं भारत में वो खरीदारी करते हैं, शुभ माना जाता है, जिसकी वजह से सोने चांदी की जो कीमतें हैं सराफा बाजार में भारत में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के भी अंदर सोना इस वक्त $1787 पर और सिल्वर $24.2 प्रति ट्रॉय अंस पर कारोबार करती नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि आज भी सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर एक हल्की बढ़त का दौर देखने को मिल रहा है। सोना स्पॉट मार्केट के अंदर एक बार फिर से $1800 के करीब जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे जाके सोने चांदी में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीजी पर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रूपा जी। रूपा जी देख रहे हैं सोने चांदी की कीमतों में बढ़त का दौर आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी जारी है, आपको क्या लगता है क्या सोना इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट के अंदर $1800 का लेवल अचीव करने में सक्षम हो पाएगा? देखिए अखिलेश, अभी सोने और चांदी के अंदर जो रुझान है वो तेजी का ही है, और अगर आप देखें तो सोना दो हफ्ते की ऊंचाई पर ही कारोबार फिलहाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि तीन दिनों से सोने की कीमतें थोड़ा बहुत सपोर्ट लेती हुई निचले स्तरों से नजर आ रही है। अभी उम्मीद है कि कॉमेक्स पर सोना $1800 तक पहुंच सकता है। और वहीं डॉलर में कमजोरी से सोने की कीमतों में चमक बढ़ी है, वहीं फेस्टिवल मांग से भी कीमतों को सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दूसरा, स्पॉट मार्केट के भाव में भी तेजी देखने को मिली है और ग्लोबल ट्रेंड जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो भी कीमतों को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं US में ट्रेजरी यील्ड बढ़ने से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट मिला है। और उधर फेड का बयान आया है, उसके बाद से भी कीमतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और कई देशों के सेंट्रल बैंक फिलहाल सोने की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गल्फ देशों से भी सोने की मांग आगे चलकर बढ़ सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अभी तो फिलहाल सोने की तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अभी लगता है कि सोना $1800 के बाद मुझे लगता है कि ऊपर में $1820 से $1840 की रेंज पकड़ सकता है। तो यानी कि सोने की अगर बात की जाए तो अगर थोड़ा सा लंबा होरिजन कर चले तो सोने के अंदर बाइंग का ही रिकमेंडेशन रहना चाहिए और एक अच्छा रिटर्न आने वाले दिनों में सोने में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास सोना आपको 50,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि दिवाली के आसपास आते आते सोने चांदी की जो कीमतें हैं उनके अंदर चमक देखने को मिल सकती है, बढ़त देखने को मिल सकती है। बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो सोने चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोने चांदी का जो बाजार है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, इनसे बात करें अगर कच्चे तेल की, तो बीते सत्र में हमने कच्चा तेल में काफ़ी शानदार बढ़त आते हुए देखी थी, कच्चे तेल ने हाई लगाया था, ब्रेंट क्रूड ऑयल $86 के पार जाता हुआ नजर आया था। हालांकि आज देख रहे हैं कि हल्की सी करेक्शन है, ऊपरी स्तर से करेक्शन बनती हुई नजर आई है, लेकिन आपको क्या लगता है जिस हिसाब से कच्चे तेल में एक के बाद एक हाई लगते हुए नजर आ रहे हैं और डिमांड भी ठीक ठाक है, तो क्या कच्चा तेल जल्दी से $90 या फिर $100 भी देखने को मिल पाएगा? देखिए अखिलेश, जो कच्चे तेल का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो फिलहाल पॉजिटिव है। कच्चे तेल की कीमतों में पिछले कुछ समय से हमें तेजी देखने को मिल रही है और अपने 7 साल के रिकॉर्ड पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। दरअसल इराक के तेल मंत्री के बयान के बाद क्रूड की कीमतों में उछाल देखने को मिला था। इराक के तेल मंत्री ने कहा था कि आने वाले दिनों में ब्रेंट जो है वो $100 के पार हो जाएगा, इसी वजह से कीमतों में सपोर्ट आता हुआ भी दिखाई दिया। वहीं ओपेक ने भी ये कहा कि प्रोडक्शन अभी फिलहाल उनका बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। तो
सऊदी अरब की तरफ से भी जो है वो 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक मांग आगे आने वाले दिनों में कच्चे तेल की जा सकती है, और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे क्रूड की मांग में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। और यूएस में पेट्रोल की सप्लाई की अगर बात करें तो वो भी 3 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल को काफी हद तक सपोर्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, और यूएस में क्रूड की इन्वेंट्री भी लगातार जो है वो गिरती हुई दिखाई दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सारा फंडामेंटल इसका काफी पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और कच्चे तेल में आगे चलकर तेजी का रुझान बना रह सकता है। हमें लगता है कि जो क्रूड ऑयल है WTI क्रूड ऑयल वो $85 से $86 की रेंज एक बार ऊपर में पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, वहीं ब्रेंट में भी तेजी बन सकती है, $90 के आसपास ब्रेंट भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो यानी कि अमेरिका में जो क्रूड इन्वेंट्री के घटने से और पेट्रोलियम उत्पाद घटने से और दूसरा प्रोडक्शन ना बढ़ने से ओपेक द्वारा और इराक के जो तेल मंत्री उनका बयान आने से बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स हैं इन्हीं की तरह ही जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनती हुई नज़र आ रही है और आगे भी कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ये जारी रह सकती है। ये सिर्फ जी कच्चे तेल के साथ देखने की बेस मेटल्स में भी चमक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। बीते सत्र में हमने एल्यूमिनियम को ऑल टाइम हाई पर कारोबार करते हुए देखा था, इसके साथ कॉपर में भी और निकल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार बढ़त बनती हुई नज़र आई थी। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स का बाजार अब यहाँ से तेजी की ओर है? अखिलेश देखिए, बेस मेटल में देखा जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, इंटरनेशनल मार्केट में $3,228 के पार जा चुका है, और कॉपर की कीमतों में भी हमें लगातार सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट्स की बात करें तो 5 महीने के हाई पर कॉपर अपना पहुंच चुका है और निकल 7 साल के हाई पर है। तो आप देखिए लगातार इनमें नए हाई बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल एल्यूमिनियम में जो तेजी आ रही है उसके पीछे चीन की तरफ से जो उत्पादन है वो घटा है, और जून 2020 से चीन के उत्पादन में जो उत्पादन हुआ था 2020 में उससे काफी कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम होने के चलते कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर कॉपर में देखा जाए तो चिली और पेरू में सप्लाई डिस्टर्ब हुई है जिसकी वजह से कीमतों में तेजी आई है। 2 महीने में लाइम स्टॉक का भाव भी 90% तक गिर चुका है। तो काफी फैक्टर्स है जो बेस मेटल्स को भी सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और निकल में जो तेजी का कारण बना वो कनाडा के खानों में हड़ताल हुई है जिसकी वजह से हड़ताल से उत्पादन इफेक्ट हुआ और उसके चलते निकल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। उधर फिलीपींस में भी खराब मौसम के चलते निकल के प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आया है। तो फिलीपींस के अंदर भी इसका औसत अगर देखा जाए एवरेज प्रोडक्शन जो है वो 10% तक कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टर्ब है बेस मेटल्स की, कहीं ना कहीं इस वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक ये कीमतों सप्लाई जो है वो अपने रूटीन में नहीं आती तब तक कीमतों के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है। कॉपर में भी अपसाइड मोमेंटम बना रह सकता है, कॉपर के साथ साथ अगर देखा जाए तो निकल भी आगे आने वाले दिनों में तेजी की तरफ जा सकता है, लेकिन एक हल्की करेक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी ऊपर आ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत स्लिप जो है वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि बाजारों में अभी थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, तो बेस मेटल्स में ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। जी रूपा जी, आपकी तरफ से आज हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन टॉपिक्स क्या रहेंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज के? देखिए मुझे लगता है कि अभी फिलहाल के लिए देखिए क्रूड में भी अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में है और बेस मेटल भी करेक्शन मोड में है, तो मुझे लगता है कि सोना चांदी अभी फिलहाल पॉजिटिव जा सकते हैं, तो सोने और चांदी के अंदर अभी फिलहाल इन स्तरों पर बाय करके चला जा सकता है। जी, तो यानी कि सोना चांदी में इन स्तर पर खरीदारी करके चला जा सकता है। ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही। नमस्कार।